दोस्तों यहाँ पे GSTR 3B के अंदर एलिजिबल ITC में चेंज कर दिया गया है। टेबल 4 के अंदर आपको GSTR 3B में चेंज मिलेगा। चेंज क्या है मैं आपको बताता हूँ। देखो यहाँ पे जब आप रिवर्जल करते हैं तो पहले यहाँ पे जो रिवर्जल था वो 42-43 का था, अब यहाँ पे रूल 38-42-43 का है और साथ ही साथ सेक्शन 17 सब सेक्शन 5 का रिवर्जल आपको देखने को मिलेगा। मतलब अगर कोई भी आपका ब्लॉक क्रेडिट रहता है सेक्शन 17 सब सेक्शन 5 के अंदर है उसकी रिपोर्टिंग आप यहाँ करेंगे टेबल 4B के अंदर। साथ ही साथ अगर कोई ITC आपने रिवर्स किया है उसको रिक्लेम कर रहे हो फिर से तो उसकी डिटेल यहाँ पे जाएगी जो कि आपने टेबल 4B2 के अंदर, ये देखो ये है टेबल 4 और ये है बी और 2, इसके अंदर अगर आप रिक्लेम कर रहे हो तो इसके अंदर यहाँ पे डिटेल जाएगी। टेबल 4D के 2 में भी चेंज कर दिया है तो बहुत सारे चेंजेस है, डिटेल में समझेंगे ऐसा क्यों है। GST 3B के अंदर आपको GST पोर्टल पे ये चेंजेस देखने को मिलेगा। उससे पहले बताना चाहूँगा जो भी भाई बंधु मेरे चैनल पे पहली बार है, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिए ताकि इस तरह का कंटेंट आपको मिलता रहे। सो दोस्तों अगस्त मंथ की 3B के अंदर आपको ये चेंज मिलेगा तो जब भी आप अगस्त मंथ की 3B को फाइल करें तो इस वीडियो को ज़रूर देखें क्योंकि इसके अंदर जो चेंजेस है वो मैं आपको बताने वाला हूँ कि क्या क्या चेंजेस कर दिया गया है इनपुट एज क्रेडिट से रिलेटेड। अगस्त मंथ की 3B जैसे आप फाइल करेंगे यहाँ पे 3B पे जाएंगे, टेबल 4 पे जाएंगे जो कि एलिजिबल ITC से रिलेटेड है, इसके अंदर चेंजेस कर दिया है GSTN ने। तो दोस्तों इसको समझने से पहले हम उस एडवाइजरी पे आ जाते हैं। देख सकते हैं यह है एडवाइजरी जहाँ पे GSTN बोल रही है कि 3B के अंदर टेबल 4 में जो ITC की रिपोर्टिंग है, ITC को लेने से रिलेटेड, रिवर्जल से रिलेटेड और इनएलिजिबल ITC से रिलेटेड चेंज किया जा रहा है। पहले पॉइंट में GSTN ये बोल रही है कि गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन नंबर 14/2022 को इशू करके 5 जुलाई को जो इशू किया था GSTN 3B के अंदर चेंज किया है टेबल 4 में जो कि ITC से रिलेटेड है, जिसके अंदर आप ITC को अवेल करते हो, ITC को रिवर्सल करते हो या इनएलिजिबल ITC की रिपोर्टिंग करते हो टेबल 4 में GSTN 3B के अंदर। सेकेंड पॉइंट में यहाँ पर बोल रही है कि GSTN 3B के अंदर टेबल 4 में ये चेंजेस कर दिया गया है, 3B में ये चेंजेस आपको GST पोर्टल पे 1 सितंबर 2022 से देखने को मिलेगा, ठीक है। और ये जो चेंजेस है आपको अगस्त मंथ की रिटर्न में, अगस्त मंथ की जो 3B होगी उसके अंदर देखने को मिलेगा, ठीक है। इससे पहले की रिटर्न में जो भी चेंजेस है वो एप्लीकेबल नहीं है, मतलब अगस्त से पहले की बात करें जैसे जुलाई 22 की तो उसके लिए एप्लीकेबल चेंजेस नहीं है, अगस्त से ये चेंजेस मिलेगा। तो जब भी आप अगस्त की 3B फाइल करें इन चेंजेस का ध्यान रखें, ठीक है। यहाँ पे GSTN बोल रही है कि देखो ये टेबल है, इस टेबल के अंदर जो भी चेंजेस है हमने रेड में कर दिया है और आपको पता लगेगा कि क्या क्या चेंज हुआ है। तो देखो ये है टेबल 4 एलिजिबल ITC, तो एलिजिबल ITC के अंदर सबसे पहले हम बात करते हैं ITC अवेलेबल के अंदर तो कोई भी चेंजेस नहीं है, ठीक है। जैसे आप रिपोर्टिंग करते थे वही करेंगे। ITC रिवर्स में चेंजेस है, देखो ये है रिवर्स के अंदर, यहाँ पे चेंज किया गया है ITC रिवर्स के अंदर पहले 4B के पहले में कि यहाँ पे रिवर्जल अब आप कर पाएंगे रूल 38, 42, 43 और सेक्शन 17 सब सेक्शन 5 के हिसाब से, ठीक है। कोई भी रिवर्जल रहता है उसका आप रिवर्जल कर सकते हैं। सेक्शन 17 सब सेक्शन 5 के अंदर कौन सी रिवर्जल्स होती हैं, जो ब्लॉक क्रेडिट में होती हैं जिनका आप ITC ले नहीं सकते, ठीक है। तो इस तरह की ITC का आपको रिवर्जल करना पड़ता है। इसके अलावा यहाँ पे अदर रिवर्जल आता है तो जनरली ये 2B से उठाता है, तो 2B से तो आपका क्रेडिट नोट अदर रिवर्जल के अंदर ऑटोमेटिक ही उठा लेगा ये, ठीक है। यहाँ पे आ जाता है 2B से रिवर्जल। B2B सप्लाई जो है आपकी इनवर्ट सप्लाई जिसमें नॉर्मल ITC है वो आपका ऑल अदर ITC में आता है टेबल 5 में, और उससे रिलेटेड कोई क्रेडिट नोट है तो यहाँ पे आता है टेबल 4 के बी के सेकेंड के अंदर, ठीक है। तो ये एज इट इज़ ही आएगा, लेकिन इसके अलावा जो भी 2B के अंदर ITC आया, मैंने आपको पहले भी बताया पुरानी वीडियो के अंदर कि मैंडेटरी है करेक्ट रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी आपको, ठीक है। जो भी ITC आ रहा है उसकी रिपोर्टिंग करेक्ट तरीके से करनी पड़ेगी, आपको खुद से ही चेक करना पड़ेगा जो ITC आपने लिया क्या वो ब्लॉक क्रेडिट में तो नहीं है, इनएलिजिबल ITC तो नहीं है। तो जो भी ITC आया उसको आप खुद से ही चेकिंग करोगे, अगर कोई ब्लॉक क्रेडिट का रहता है तो उसकी रिपोर्टिंग यहाँ करोगे क्योंकि उस तरह का ITC का रिवर्जल होगा इस वाले कॉलम में, ठीक है। अभी आ जाते हैं, यहाँ से निकलेगा नेट ITC। ये नेट ITC जो है वो आपके 3B के अंदर आपके इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में जाता है, ठीक है। ये जो नेट ITC निकलेगा ये आपके इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर के अंदर ट्रांसफ़र हो जाएगा, ठीक है, अगर टैक्स कम बनता है तो, और टैक्स ज़्यादा बनता है तो वो उससे एडजस्ट करेगा। अभी हम बात करते हैं
इसके अलावा अदर डिटेल्स पूछ लेता है ये। अदर डिटेल्स में ये पूछता है कि अगर ITC कोई रीक्लेम किया है, देखो ये नई टेबल है 4D के अंदर, ये वाली टेबल नहीं है जो रेड में है, मैंने बताया ना ये नई टेबल है। तो ये बोलते हैं कि अगर कोई ITC आपने रीक्लेम किया है जिसको पहले आपने 4B2 के अंदर, 4B2 का मतलब क्या हो गया, ये है 4 और ये है B इसका 2, अदर रिवर्सल के अंदर अगर आपने रिवर्स कर दिया है पहले किसी भी ITC को, आपने पहले कोई रिवर्स किया फिर उसका रीक्लेम कर रहे हो दोबारा से, तो उस तरह की ITC की रिपोर्टिंग यहाँ करनी होती है। जनरली होता क्या है, कब हम रिवर्सल करते हैं, देखो अगर सप्लायर की पेमेंट आपने 180 डेज के अंदर नहीं करी है तो उस केस में हम क्या करते हैं, ITC का रिवर्सल कर देते हैं, ठीक है। और जब पेमेंट करते हैं तो ITC रीक्लेम कर लेते हैं। तो अगर इस तरह का कोई ITC है तो आप यहाँ पर रिपोर्टिंग करेंगे, ठीक है। इसके अलावा टेबल 4D के 2 की बात करें तो यहाँ बोलता है कोई इनएलिजिबल ITC है जो कि सेक्शन 16 सबसेक्शन 4 के अंदर है, ठीक है, या फिर रिस्ट्रिक्ट है प्लेस ऑफ सप्लाई की वजह से, जो उसका प्रोविजन है उसके सप्लाई की वजह से, उस तरह की ITC की डिटेल यहाँ जाती है। तो यहाँ पर किस तरह की ITC होगी, देखो सेक्शन 16 सबसेक्शन 4 जो है वो कंडीशंस और टाइम लिमिट के बारे में बताता है। अगर टाइम बार्ड के केस में है, मान लो कि ITC लेने की जो टाइम लिमिट है वो ख़त्म हो गई लेकिन फिर भी आपने उस तरह का ITC ले लिया, ठीक है, पिछले साल का इस साल ले लिया आपने, तो वो टाइम बार्ड में कोई ITC है अगर उसका आपने क्लेम किया है तो उसका आप उसकी रिपोर्टिंग यहाँ दोगे, ठीक है, कि ये ITC जो है वो टाइम बार्ड के अंदर है और ये इनएलिजिबल ITC है, इसको हम क्लेम नहीं कर सकते। देखो यहाँ भी सेम बात है, वही बोलते हैं कि 4B1 के अंदर जितने भी नॉन रिक्लेमेबल रिवर्सल है उसकी रिपोर्टिंग आपको यहाँ 4B1 में रिपोर्टिंग करनी है। देखो दोस्तों सेकंड पॉइंट में यहाँ बोलते हैं कि जितने भी रिक्लेम ITC रिवर्सल है, ठीक है, जिसको दोबारा क्लेम किया जा सकता है उसको आपको 4B2 में देना है, मतलब अदर वाले में, ठीक है। यहाँ पे उस तरह की ITC की रिपोर्टिंग जाएगी जिसको दोबारा क्लेम किया जा सकता है, ठीक है, और अगर आपने दोबारा क्लेम किया है तो उस तरह की ITC की ब्रेकअप रिपोर्टिंग आपको यहाँ पे देनी पड़ेगी। ये देखो ये है 4D1, इसके अंदर अगर आपको रिपोर्टिंग देनी होगी, अगर आपने कोई ITC रिवर्सल किया है उसको दोबारा से क्लेम किया तो उसकी ब्रेकअप रिपोर्टिंग आपको यहाँ देनी पड़ेगी, ये है टेबल 4D1 के अंदर, ठीक है। उसके बाद ITC जो कि नोट अवेलेबल है, ठीक है, टैक्स पेयर को, मतलब 2B में तो है मेंशन लेकिन वो ITC अवेलेबल नहीं है, वो ITC आप ले नहीं सकते, 4D2 के अंदर रिपोर्ट करना होगा। देखो 4D2 के अंदर इसमें कौन सी ITC होगी जो इनएलिजिबल है, जैसे टाइम बार्ड में है या प्लेस ऑफ सप्लाई की वजह से रिस्ट्रिक्टेड है, इस तरह की ITC की रिपोर्टिंग हो जाएगी। उसके बाद बोलते हैं कि कोई भी ITC जो गलत तरीके से आपने क्लेम कर लिया या अवेल कर लिया, ठीक है, क्लैरिकल मिस्टेक की वजह से क्यों ना हो या किसी भी मिस्टेक के कारण, तो दोस्तों उस तरह की ITC की रिवर्सल आपको टेबल 4B2 में करना है। ये है टेबल 4, ये है बी, इस 2 में इस तरह की ITC की रिवर्सल करना है अगर आपने मिस्टेक बाय मिस्टेक कोई भी ITC ले लिया है जो कि आपके लिए अवेलेबल नहीं था, ठीक है, उस तरह की रिपोर्टिंग आपको 4B2 के अंदर करना है। तो सिंपल सी बात है, कुछ बातों का ध्यान रखना। देखो ITC अवेल करोगे तो यहाँ पे आएगा, ठीक है, रिवर्स करोगे ITC सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 के अलावा है, 38, 42, 43 के अलावा है तो 2 में आएगा, जैसे नॉर्मली क्रेडिट नोट या डेबिट नोट का कोई भी ITC होता है तो इसमें आता है, ठीक है। अगर कोई ITC इनएलिजिबल है तो इनएलिजिबल में यहाँ लिखेंगे आप, देखो ये रहा टाइम बार्ड के वजह से है या प्लेस ऑफ सप्लाई की वजह से इनएलिजिबल है तो उसको यहाँ दिखाएंगे, और पहले कोई ITC रिवर्स किया उसको दोबारा से रिक्लेम कर रहे हो तो उसका ब्रेकअप रिपोर्टिंग आपको यहाँ देना होगा, ये 4D4 के अंदर। मतलब मान लो मैंने ये जो 5 के अंदर 4A के 5 के अंदर ITC जो भी क्लेम किया, जैसे 100 रुपये मैंने क्लेम किया यहाँ पे IGST, तो इस 100 रुपये IGST के अंदर अगर मान के चलो कोई 10 रुपये का ITC जो है वो मेरा रीक्लेम है तो यहाँ पे मुझे देना पड़ेगा 4D1 के अंदर कि 100 रुपये में से 10 रुपये जो ITC है वो मेरा रीक्लेम है, ठीक है, 90 रुपये मेरा एक्चुअल इस पीरियड का ITC है, ठीक है। तो इसकी ब्रेकअप रिपोर्टिंग आपको यहाँ पे देनी पड़ेगी अगर कोई रीक्लेम वाला ITC रहता है तो। दोस्तों यहाँ पे बोलते हैं कि जो कॉरस्पॉन्डिंग चेंजेस है GSTR 2B में कर दिया जाएगा और उसका ऑटो पॉपुलेशन 3B में आ जाएगा, ये अभी अंडर डेवलप है, ठीक है। अभी यहाँ पे बोलते हैं कि टैक्स पेयर को 3B करेक्टली फाइल करनी है और उसके लिए जो प्री फाइल डाटा आ रहा है, जो ऑटो पॉपुलेटेड डाटा आ रहा है उसको वो एडिट कर सकते हैं, और GSTR 3B सेल्फ असेस सेल्फ खुद ही चेक करना है कि जो उन्होंने रिटर्न 3B फाइल कर रहे हैं करेक्टली रिपोर्टिंग कर रहे हैं कि नहीं, जो चेंज कर दिया गया इस चेंज के हिसाब से रिपोर्टिंग कर रहे हैं कि नहीं,
ठीक है, और जो चेंजेस है टू बी के अंदर वो पोर्टल पे जल्दी हो जाएगा। देखो करेक्टली और मैंडेटरी जो इन्फॉर्मेशन रिपोर्टिंग है उसके लिए गवर्नमेंट ने सर्कुलर भी इशू किया था, आप सर्कुलर नंबर 170 को भी देख सकते हो, जो कि 6 जुलाई 2022 को इशू किया गया है। तो समझ गए दोस्तों, ये चेंजेस आपको जीएसटी या 3B के अंदर देखने को मिलेगा। यहाँ पे पोर्टल पे चेंज कर दिया गया है, चेंज जो है आपको 4D के अंदर और 4B के अंदर देखने को मिलेगा। ठीक है, ये टेबल नहीं आई है और ये टेबल और ये टेबल नहीं आई है, जो कि मैंने आपको एडवाइजर के थ्रू डिटेल में बता दिया। तो जब भी 3B फाइल करें अगस्त मंथ की, इन बातों का ध्यान रखें। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।